बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक और इस सेम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब होते क्या? सबसे अहम चीज़ तो होती है न्यूक्लियर फ्यूल। कहते हैं मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फ्यूजनएबल और फिजाइल आइसोटोप्स कॉल्ड रिएक्टर फ्यूल। द फ्यूल दैट मे यूज इन रिएक्टर आर कॉल्ड यूरेनियम 238। एटम बम क्या होता है, कैसे फटता है, सबको इसका जानने का बड़ा था। बेसिकली रिएक्शन होता है फ्यूजन, इसमें हम एक बड़े न्यूक्लियाई को दो छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ते हैं और इसके नतीजे में चेन रिएक्शन होता है। एक न्यूट्रॉन अपनी जगह से हटता है, कोई तीन से टकराते हैं, तीन तीन मल्टीप्लाई होते हैं। इसके लिए जो सोर्स यूज़ करते हैं यूरेनियम 238। और मेरे भाई जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर फ्यूल हमेशा यूरेनियम 239 है। यूरेनियम अगर 238 है, 237 है, 239 है, तो उसे भी हम 235 में कन्वर्ट करते हैं। ये वजह दुनिया की सबसे कीमती धातु यूरेनियम 239 है। पाकिस्तान ने यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करने का बड़ा सस्ता तरीका दरियाफ्त किया। मॉडरेटर क्या होता है भाई? हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं मॉडरेटर कहलाते हैं, प्रोसेस मॉडरेशन कहलाते हैं। गुड मॉडरेटर क्या होगा? लो मास नंबर होगा और लार्ज स्विंग टाइम पावर होगी। दुनिया में बेस्ट मॉडरेटर इससे अच्छा कोई नहीं है, तो वो हमारा होता है ऑर्डिनरी वाला। उसके अलावा तो हम दोनों हो सकते हैं, ग्रेफाइट हो सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन हो सकता है, बेरिलियम है, हैवी वाटर है, मरकरी है या दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। बेस की बात करें तो ऑर्डिनरी वाला। अब मेरे भाई एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है कंट्रोल मटेरियल। कंट्रोल मटेरियल कि अब इस रिएक्टर को या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कंट्रोल किया जाता है मामला रिएक्शन को, दो चीज़ें होती हैं, कैडमियम रॉड और बोरॉन रॉड। ख्याल रखें कंट्रोल मटेरियल की एग्जांपल है। कुछ लोग गलती से तो मॉडरेटर में लिख देते हैं, मॉडरेशन में जो मैंने आपको बताई है ऑर्डिनरी वाटर, ग्रेफाइट, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन, बेरिलियम, हैवी वाटर, मरकरी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब लास्ट चीज़ है न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी एक बल्कि डेफिनेशन होना है, वो हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ होता है पाकिस्तान में कोटा प्लांट है, जहाँ कंट्रोल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर में जो जॉब होती है वो 5 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती, डिपेंड करता है वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर, कहीं 2-2 घंटे की भी जॉब्स होती है। और उसमें भी आदमी की 3 दिन छुट्टी होती है, 4 दिन वर्किंग होती है। कूलेंट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो हीट एनर्जी को रिमूव करें। इसकी मिसाल में भी लाइट वाटर और हैवी वाटर है। कोई बोलेगा मॉडरेटर में भी थी, बिल्कुल भी, मॉडरेटर के तौर पे भी यूज़ होता है, कूलेंट्स के तौर पे भी यूज़ होता है। वाटर और चीज़ को कूल करने के तौर पे यूज़ ही होता है भाई, खुदा नास्ता एसिड गिर जाए, बेस गिर जाए, कहते हैं ना एसिड गिर गया किसी के ऊपर तो बेस भर दो, और भाई क्या उसको सॉल्ट बना रहे हो, पानी डालना चाहिए। लिक्विड मेटल से मुराद हो जाएगी भाई सोडियम पोटेशियम अलाव हो गया, मरकरी हो गई, बहुत सारे लिक्विड मटेरियल होते हैं, लिक्विड मेटल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है जो भी मैंने आपको बताई। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।